हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्काई बीच। तो एक एक करके हम लोग जब नए नए जगह जाएंगे तो आपको दिखाते चलेंगे। तो अस्ताना में क्या क्या घूमने का जगह है, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हम लोग का प्लानिंग कैसे है। तो सबसे पहले ये देखो प्लानिंग कैसे, ये हमारा रोड मैप है। तो अभी अभी तक में हम लोग एक चीज़ कवर कर चुके हैं, बैटरी मोमेंट, आज का है स्काई बीच एंड क्या है अटारू ब्रिज एंड पैलेस ऑफ पीस एंड एकॉर्ड्स। आज ये हम लोग को घूमना है, उसके बाद कल का कल देखते हैं, फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। आप लोग साथ बने रहिए। और हमारा बेस्ट बॉय ऑफ फेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरा और रोड मैप भी यहाँ दे रखा है, और से कहाँ जाना है सब कुछ का मैनेजमेंट का जिम्मेदारी, और बस नंबर भी दे रखा है कौन सी बस कहाँ जाती है। ये हमारे आसपास का है, इस वाले टावर में हम लोग रुक रहे हैं। और ये हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो कमेंट करके बताओ कि हमारा एरिया कैसा लगा। और एक वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि हम लोगों ने इतने सस्ते में 2 BHK अपार्टमेंट कैसे बुक करा, जबकि अभी पीक टाइम चल रहा है बुकिंग का, क्योंकि यहाँ वैकेशंस है, तो वैकेशंस में बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है अपार्टमेंट्स और होटल भी। तो हम लोग को हॉस्टल से भी सस्ता पड़ा है ये अपार्टमेंट। तो कैसे हॉस्टल से भी सस्ता अपार्टमेंट पड़ा वो आप लोग को बताऊंगा। तो ये देखो हमारे आसपास का एरिया कैसा है, और हम लोग को सेंटर पर ही अपार्टमेंट पड़ा। तो हम लोग अभी स्काई बीच जा रहे हैं, और अभी हम लोग सेंटर पे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। हमारे फ्लैट से 1 किलोमीटर है, तो आप सेंटर का व्यू देख सकते हो कितना सुंदर है, वो देखो वहाँ पे। और ये पीछे का व्यू है। और भाई आपको कुछ कहना है इसके बारे में? भाई बहुत मस्त व्यू है, आना एक बार जरूर। अनहन आनंद। और ये अपना भाई गुजरात से है, ये भी गुजरात से, ये अपना भाई राजस्थान से, और भाई कच्छ से। अच्छा आओ आप, इससे भी सुंदर व्यू दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए चलते हैं सामने। ये एरिया समर्स में कैसा लगेगा भाई, वो बताओ? बहुत ही सुंदर लगेगा ये। तो एक बार हम लोग समर में फिर से आएंगे, तो फिर से आपको समर का टूर दूंगा यहाँ पे। तो विशाल क्या कहना है? चेकआउट विशाल्स आउटफिट, ही इज लुकिंग ऑसम। इफ किसी को कॉन्टेक्ट करना है तो विशाल को, तो विशाल का इंस्टा आईडी है, क्या नाम है विशाल? विशाल तेरे इंस्टा आईडी का क्या नाम है होता? विशाल_ISHL88। तो जल्दी से विशाल को कांटेक्ट करें। एक दिन आप लोगों को हम बस का भी टूर दूंगा कि यहाँ पे बस से कैसे ट्रेवल करें। जो भी इंडिया से अपना टूरिस्ट आते हैं उसके लिए बेस्ट होगा इफ बजट ट्रेवल करना है। तो हम लोग तो प्रीमियम ट्रेवल करते हैं अपने फुट पे, तो आप लोग बस ट्रेवल कर सकते हो। ये हमारे लौंड है, अलमाटी में लाख का खर्चा करना ही चाहिए, पूरे ट्रैकिंग वैकिंग सब। अलमाटी में ट्रैकिंग करेगा भाई का, अलमाटी में बहुत ज़्यादा पहचान है, ये हमें अलमाटी में ट्रैकिंग करवाएंगे। और भाई का अस्ताना है, और भाई का अक्टोबे में जाना है। इधर चलना है? इंडिया में तो है। और ये सामने लाजवाब सा बिल्डिंग है। धूप पे तो नहीं आएंगे ऐसे। इस बिल्डिंग के सामने ये पता नहीं क्या है, बिल्डिंग के सामने ये शानदार सा आर्किटेक्चर। और अभी यहाँ पे बिल्डिंग्स बन ही रहा है। ये अस्ताना ओपेरा बिल्डिंग है, ओपेरा थिएटर। तो आपको सामने से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है।
इधर से तो बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, और यहाँ पे स्नो ही स्नो है चारों ओर, और अपने भाई लोग फोटो शूट करवा रहे हैं इधर से। और ये बैक साइड ऑफ ओपेरा बिल्डिंग है, तो अभी हम लोग इधर से जाएंगे उधर पे ओपेरा बिल्डिंग कैसा दिखता है वो सामने से, फिर वहाँ कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक कराएंगे, फिर आपको यहाँ फ़ोटो दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, और ये सेंटर है, और सब कुछ सेंटर के पास पास ही है। वो हमारा फ्लैट रहा, वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं जो वो वाला बिल्डिंग है उसमें, और उसके 500 मीटर दूरी पे ये ओपेरा बिल्डिंग है सेंटर पे ही। ओपेरा, ये ओपेरा थिएटर है सामने से, तभी हम लोग बैक से दिखा रहे थे आप लोगों को। और इसके सामने ही मेन रोड है, और ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा मॉन्यूमेंट है एक। इसके बारे में टूरिस्ट पे देखना पड़ेगा ये है क्या, और ये बहुत ही प्यारा सा बिल्डिंग है। और अपना ये दोस्ती यहाँ पे कुछ गहन विचार में लगा हुआ है, अभी वहाँ पे चल के ओपेरा बिल्डिंग के सामने चल के वीडियो बनाते हैं। अब यहाँ से देखो ओपेरा बिल्डिंग कैसा दिखता है। अभी स्नो है, अभी धीरे धीरे ठंड आ रहा है, अभी धीरे धीरे ठंड जा रहा है, तो सारा स्नो पिघल रहा है, तो कहीं पानी कहीं स्नो दिख रहा है, और ये इतना लाजवाब दिख रहा है अभी सामने से ही, बहुत ही अच्छा उम्दा। और ये टनल है सामने, और वो वाला बिल्डिंग देखो कितना ही मस्त दिख रहा है, वो लाजवाब।